सेवा प्रस्तुत करके कर्मचारी को हमेशा के लिए रेगुलर और रेगुलर भर्तियों से प्रदेश के आमजन को महरूम करने का काम किया है। इसके लिए ये आज मीटिंग थी जिसमें प्रदेश के तमाम जिलों के और तमाम यूनियनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मीटिंग में सर्व कर्मचारी संघ ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि हरियाणा सरकार ने पूरे 10 साल में किसी भी कर्मचारी के साथ कोई बातचीत नहीं की, चाहे वो 9.5 साल खट्टर और जेजेपी की सरकार थी और अब बीजेपी की माननीय नायब सिंह जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी, कर्मचारियों से कोई बात नहीं की। एक तरफा ढंग से बीएमएस जिसका कोई वजूद नहीं है उनके साथ बातचीत करके ये धोखा कर्मचारी के साथ किया है। इसका आने वाले समय में कीमत सरकार को चुकानी पड़ेगी। हम लगातार इस मांग पत्र को लेके सड़कों पे रहेंगे। इस ऐलान के साथ ये कन्वेंशन हुई है। 22 और 23 दो दिन पूरे प्रदेश में सभी विभागों की गेट मीटिंग की जाएंगी और विरोध स्वरूप काली पट्टी बांध के कर्मचारी काम करेगा। 25 तारीख को 25 अगस्त को राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग बुला के लगातार इन नीतियों के खिलाफ ये जो मांग पत्र सर्व कर्मचारी संघ का 15 सूत्री है उसको लेके लगातार कर्मचारी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष हैं जो कैंडिडेट हैं विधानसभा में उन सब तक जो है ये संदेशा पहुंचाएगा, तमाम कर्मचारी के बीच में जाएगा। ऐसी अपील के साथ ये कन्वेंशन समाप्त हुई। धर्मवीर फोगाट, राज्य प्रधान सर्व कर्मचारी संघ।